हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गुलाब संदेश कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। इसके लिए पहले आप कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी डाल दीजिए। उसमें एक वाटी के समान आप मैदा जो होता है उसको भून लीजिए अच्छे से। जैसे आपका मैदा भून जाए अच्छे से, उसे एक आप डिश में निकाल लीजिए। उसके बाद आपको शक्कर की चाशनी बनानी है। को उसके लिए उसी कढ़ाई में जिसमें आपने मैदा भुना था, उसी कढ़ाई में आप एक कप समान, छोटा कप जो चाय का होता है उस समान चीनी आप उसमें डाल दीजिए, और उससे दो कप समान पानी उसमें डाल दीजिए। जैसे ही वो थोड़ा सा चिटचिटा हो जाएगा, वैसे ही उसमें आपने जो भुना हुआ मैदा रखा था साइड में वो डाल दीजिए, और वही वाटी समान जिस वाटी में आपने मैदा लिया था उसी वाटी के समान आपको मिल्क पाउडर जो होता है, जो बाज़ार में इजीली मिल जाता है, एवरीडे का है और भी बहुत सारे हैं ब्रांड्स, उसका एक वाटी मिल्क पाउडर आप उसको उसमें डाल दीजिए। जैसे ये हो जाएगा उसको अब कड़े से निकाल कर एक थाली में अच्छे से निकाल लीजिए। उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर उसको आटे की तरह जैसे हम आटा मलते हैं वैसे ही उसको मलना है अच्छे से। अब आप इसका जो डो है उसमें से अब चार गोले बनाकर अलग से निकाल लीजिए। दो गोले जो है वो नॉर्मली सफ़ेद तो है, बाकी दो गोले में आप फूड कलर मिक्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फूड कलर नहीं मिक्स किया है, उसके जगह पे मैंने क्या किया, जो शुगर की चाशनी बनाई थी वो अलग से एक कप में निकाल के रखा, और उसके अंदर मैंने बीट टुकड़े टुकड़े काट कर उसके अंदर डाल दिए। शुगर की चाशनी ऐसे ही गर्म थी और बीट ने उसने अपना कलर छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, मुझे ऑलरेडी जो पिंकिश कलर है, मैंने फूड कलर नहीं यूज़ करके वो कलर का यूज़ किया, और वो दो गोले में मैंने वो चाशनी डाल दिया। अब ये चारों को मैंने एक साथ, आपको जैसे डिज़ाइन देना वैसे दीजिए, मैंने एक साथ कर लिया चारों को, और उसको एक प्लास्टिक जो नॉर्मली आपको रैप करने वाली जो प्लास्टिक आती है, नॉर्मली स्वीट्स को जो रैप करते हैं वो नॉर्मली आपको मिल जाएगा मार्केट में, उसमें आपको उसको रैप करके रखना है और कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको फ्रीज़र में रखना है कूल होने के लिए, ताकि वो एकदम से जम जाए अच्छे से। और आप उसको अच्छे से फिर निकाल कर, रैपिंग पेपर निकालने के बाद उसको अच्छे से स्लाइस करके काट लीजिए, और उसके ऊपर फिर आप जैसे डिज़ाइन करना चाहो, लाइक आपको अगर ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना है तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो ऊपर से, आपको चाहिए तो आप जो गुलाब की पंखड़ियाँ होती है वो भी ऊपर से आप स्प्रेड कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे झाड़ पे गुलाब था तो मैंने वो पंखड़ियाँ वहाँ से निकाल ली, और ड्राई फ्रूट्स तो लगाए हैं, जैसे बादाम और काजू मैंने टुकड़े कर लिए हैं और उसको ऊपर से अच्छे से सजा लिया है। सिमिलरली वैसे ही मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ ऊपर से लगा दी है ताकि वो थोड़ा सा उसका लुक अच्छा दिखे। और नॉर्मली गणेश उत्सव में आप, अगर आपके घर पे गणपति आ रहे हैं तो आप ये पेड़ा जो है या संदेश जो भी बोलो ये बनाकर आप लोगों को खिला सकते हो। इट्स वेरी टेस्टी, होममेड। और दूसरी चीज़, इसमें कोई भी सिंथेटिक कलर का यूज़ नहीं किया है मैंने। आप भी इस तरह से बना के देखिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय फ्रेंड्स, एंड गणपति बप्पा मोरिया। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू।